अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? यकीनन खैर खैरियत से होंगे। जी हाँ जनाब, आज जो है हम आपके लिए बना रहे हैं कोफ्ते, और ये कोफ्ते मुझे द फूड पॉइंट से मिले हैं, और ताहरा ने कोफ्ते मुझे कॉम्प्लीमेंट्री दिए थे और मैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ। आज इन कोफ्तों को मैं बना रही हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी रेसिपी भी आप लोगों को दे दी जाए। अब आप लोग ये जो मेरा चपटा चपटा बड़ा बड़ा सा मुंह देख रहे होंगे, इसकी वजह सिर्फ ये है कि आज मैंने बालों को किया है डाई। ये देखें, ब्लैक कलर आपको नजर आ रहा है। अब बुढ़ापा है, सफ़ेदी तो झलकती है ना भाई, इसको छुपाना भी पड़ता है। तो बिल्कुल जनाब, ये कल मुझे एक तकरीब में जाना है, उसके लिए मैंने बालों को डाई किया हुआ है। साथ ही साथ घर के काम चल रहे हैं, मशीन में कपड़े धुल रहे हैं और नाश्ता हो चुका है। अब दोपहर के खाने की तैयारी है तो मैं कोफ्ते बना रही हूँ, और साथ ही साथ मेरी चाय का सिलसिला भी चलता रहेगा, क्योंकि चाय ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो इस वक्त भी कुछ इसी तरह सिलसिला है। बस यही कहेंगे कि हमारा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगता है, या ये कि आप मेरा व्लॉग देखते हैं, तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आते रहेंगे। बहुत कुछ मेरे पास मौजूद है जो वक्तन फवक्तन मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। हमारे साथ रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं कोफ्तों की तरफ। चाय रेडी हो गई है, और ज़रा ये देखें, ये मैंने कुछ देर पहले बनाई थी चाय, तकरीबन आधा घंटे पहले। इसको दोबारा गर्म करके और मैं इस वक्त दूसरा कप पी रही हूँ चाय का, और साथ ही साथ अपने और काम भी जारी करूँगी। आपको भगोना भी नज़र आ रहा है, तो बस कोफ्तों का काम भी शुरू करते हैं। आइए, चाय का मेरा कप गर्मा गर्मा धुआंदार चाय। ये मैंने भगोना रख दिया है इसमें, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्न ऑयल, और ये कॉर्न ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं। और आज क्योंकि कोफ्ते बन रहे हैं, कोफ्ते में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डाल जाता है, तो आप कोफ्तों के हिसाब से डालें। मेरे पास जो है इस वक्त तकरीबन 11 कोफ्ते हैं जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं एक बार फिर आपको दिखा देती हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये रहे वो 11 कोफ्ते जो मुझे गिफ्ट के तौर पे मिले हैं, और आज मैं इनको बना रही हूँ। और यहाँ ये प्याज है जो मैंने 2 गड्डी ली है, और इनको मैंने बारीक काट लिया है, और इसको मैं ब्राउन करूँगी। आज मैं बना रही हूँ ज़ाफ़रानी कोफ्ते ना। अच्छा, कोफ्ते बनाने के मेरे पास 2 से 3 रेसिपीज़ हैं, लेकिन आज मैं ज़ाफ़रानी कोफ्ते बना रही हूँ, क्योंकि जब कोफ्ते बहुत मज़े के हैं तो फिर उसकी रेसिपी भी बहुत मज़े की होनी चाहिए। ज़ाफ़रानी कोफ्तों के लिए मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ। प्याज मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, तो जब ये ब्राउन हो जाएगी उसके बाद मैं देखूंगी कि आया मेरे सालन के लिए ठीक है, नहीं तो मैं इसमें से थोड़ी सी निकाल लूँगी। ज़ाफ़रानी कोफ्ते बना रही हूँ, तो ये मेरे पास थोड़े से ज़ाफ़रान है, ये मैं ले रही हूँ। ये देखिए, आपको ज़ाफ़रान नज़र आ रहा है। अब इसको मैं क्या करूँगी कि ये मैंने दही का पानी लिया है लस्सी की तरह, इसमें मैं डाल दूँ। ये मैं किसी बोल में भी कर सकती थी, लेकिन सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इस प्लेट में डाला है कि वाइट में आपको नज़र आए। और ये देखिए, मैंने इसमें ज़ाफ़रान मैं इसमें हल करने के लिए रख दूँगी, कि ये थोड़ा सा अपना कलर छोड़ देगा तो और अच्छा लगेगा। और इसको मैं अलग रख रही हूँ, और यहाँ मेरी प्याज हो रही है ब्राउन, ये देखिए। अच्छा, प्याज को अगर आपको बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन करना है तो आप क्या करें, इसमें आप थोड़ा सा नमक डाल दें, तो ये बड़ी क्रिस्पी सी और बहुत अच्छी सी गोल्डन ब्राउन होती है। और प्याज जब ब्राउन कर रहे हो तो बड़ा चौकन्ना खड़ा होना होता है, क्योंकि ज़रा सा 19-20 हुआ और प्याज जली, और प्याज ने जलते ही जो है ना खाना ख़राब कर देना होता है सालन का, क्योंकि फिर सालन बहुत डार्क ब्राउन कलर का बनता है और उसमें जला जला सा आता है, जो कि कम अज़ कम मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो प्याज हमेशा गोल्डन ब्राउन कीजिए, अल्लाह करेंगे मेरी भी बहुत अच्छी सी प्याज ब्राउन हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है, आगे भी इंशाल्लाह अच्छा हो।
साथ ही साथ मेरा चाय का कोप है जिससे मैं चाय पी रही हूँ, और मैं चाय पीते हुए आपको दिखाऊँ या चले रहने दे, आवाज़ सुन ले, वैसे तो बहुत मैनर्स के ख़िलाफ़ है, लेकिन देखें नहीं, ये सिर्फ मैंने ड्रामा किया है, चाय मैं ऐसे नहीं पीती हूँ, लेकिन चाय पीने का अपना अलग ही मज़ा है। ये देखिए प्याज ब्राउन होने के करीब आ गई है, और अब हम इस प्याज को निकालेंगे। खूबसूरत कलर आ गया है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत, ये देखिए यही कलर बस हमें चाहिए, इसको हम निकालेंगे। ये प्याज ब्राउन हो चुकी है, ठीक है, ये मैंने निकाल ली है। अब ये वो मसाले हैं जो मैं ग्राइंड करूँगी, इसमें ये वाइट जीरा है, ग्रीन इलायची है, ये जायफल है, जवत्री है, बादिया के फूल है, चार बादाम है, और थोड़ा सा बिल्कुल मैंने पिसावा खोपरा लिया है, ठीक है, जिसको नारियल भी कहते हैं, पिसावा नारियल, नारियल का बुरादा लिया है। इनको मैं पीसूंगी प्याज के साथ, इसको मैं अलग पीस लूँगी और ब्राउन प्याज को अलग पीस दूँगी, ठीक है। सारी चीज़ों को मैंने तोड़ लिया है, क्योंकि जो मशीन सही करते हैं उन वो कहते हैं कि एकदम साबुत चीज़ें ना डाला करें मशीन में, उनको आप हल्का सा तोड़ के या कूट के फिर डाला करें, इससे मशीन के ब्लेड जो हैं वो ख़राब नहीं होते और काफ़ी अरसे तक मशीन चलती है, पायदार रहती है। देखें मैंने इसमें डाल दिया, अब मैं इसको करूँगी ग्राइंड बिल्कुल बारीक। अब जी प्रोसेस हम बिल्कुल शुरू कर रहे हैं कोफ्ते बनाने का। ये मैंने ऑयल रख दिया है, इसमें मैं लहसुन अदरक के दो बड़े चम्मच डालूंगी, ये चम्मच मेरा छोटा है, आप दो बड़े चम्मच डाल दीजिए और इसकी फिर भुनाई कीजिए। लहसुन अदरक मैं पीस के रख लेती हूँ तकरीबन एक हफ्ते का, क्योंकि ज़ाहिर है मैं वर्किंग वूमन हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं होता कि मैं जल्दी जल्दी आके अपना काम समेटती हूँ, तो मुझे ये होता है कि मेरा हर काम रेडी हो, परफेक्ट हो, तो पहले से मैं बहुत सारी चीज़ें करके रखती हूँ। अब इसमें जाएगी जी हल्दी, हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा किया कीजिए, हल्दी जोड़ों के लिए बहुत अच्छी है। आजकल तो वैसे ही कहते हैं ना कि खालिश चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है, जो थोड़ी बहुत चीज़ आपको मिल रही है उससे फ़ायदा उठाइए। और ये जनाब मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, मेरे यहाँ कम यूज़ होता है, आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं, मैंने 1 teaspoon डाला है, आप चाहें ज़्यादा डाल लें। धनिया पाउडर ये भी मैं तकरीबन 1.5 teaspoon डाल रही हूँ, आप इसको लीजिए। नमक थोड़ा सा ख्याल से डालें, क्योंकि ब्राउन प्याज में भी नमक है और कोफ्तों में भी नमक है, और नमक कोफ्ते में आप बाद में भी चेक कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा कम नमक डालें। और इसकी कीजिए आप खूब भुनाई, भूनते जाइए, इतना भूनिए कि तेल ऑयल छोड़ दे, इतना भूनिए कि तेल ऑयल छोड़ दे। देखिए ये हो रहा है। अब हमने इसमें क्या डालना है, हमने इसमें डाल देनी है दही, ठीक है, जो मैंने ली है तकरीबन 4 teaspoon, क्योंकि कोफ्ते बहुत ज़्यादा नहीं है मेरी फैमिली के लिए, तो ये भी ज़्यादा नहीं है, मेरे यहाँ कोफ्ते 2 दिन चलेंगे, लेकिन मैं बनाती तो सिर्फ 8 कोफ्ते बनाती, लेकिन क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना था इसलिए मैंने सारे कोफ्ते बनाए हैं। मेरे हस्बैंड अभी मुझे यही कह रहे थे कि ये तो बहुत हो जाएंगे, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम एक दिन रख के खा लेंगे। दही डाल के इसकी बहुत अच्छी तरह भुनाई कीजिए, देखें अब ये देखिए यहाँ पर भूनते हुए तकरीबन मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं, ये देखें कितनी खूबसूरत ये शक्ल आ रही है, देखिए सही। अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने मसाला पीसा था, जिसमें बादाम, खोपरा, जायफल, जवत्री, हरी इलायची, जीरा, बादियाँ का एक फूल था, उसको डाल के मैं इसको भुनाई करूँगी, क्योंकि लास्ट में बस हम फिर, क्योंकि कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं, आप चाहें कोफ्ते फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं फ्राई करके इसलिए नहीं डालती कि मुझे लगता है कि फिर थोड़े से सख्त हो जाते हैं कोफ्ते, तो मैं इसी तरह डालती हूँ। देखें डालते के साथ ही क्या खूबसूरत मसाले का कलर आया है, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं, बहुत रिच फ्लेवर आएगा इसका। ये मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने दूध डाल दिया है, इसको बनाई करते हैं। ला 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 ला। वैसे तो जी खैर मैंने इसको गुनगुनाना शुरू कर दिया, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं हमेशा खाना बनाते हुए दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, और दुरूद शरीफ का व्रत रखा कीजिए। मैं वाइट पेपर इसमें डाल रही हूँ, वाइट मिर्च तकरीबन ये मैंने डाली है 1/2 teaspoon, इससे इसका फ्लेवर इन्हेंस होगा। बज़ाहिर वाइट मिर्च जो होती है, सफ़ेद मिर्च, वाइट पेपर, वो इतनी तीखी नहीं होती है, वो तेज़ नहीं होती है, लेकिन हाँ उससे फ्लेवर इन्हेंस होता है। ये देखिए बहुत अच्छा सा ये बुनाई हो गई है, दानेदार, गुड, बहुत अच्छा खूबसूरत कलर है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ करीब से, साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि मसाला नीचे ना लगे, हमें मसाले को लगाना नहीं है, फ्लेवर ख़राब नहीं करना। ये देखिए दोबारा हमने पानी डाल दिया इसको। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे पानी जितना हमें रखना है। मेरे तो मैंने आपको शायद पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया कि मेरे मियाँ भुना हुए
खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनको शोरबे वाली चीज़ें चाहिए। तो ये वैसे तो बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा बनावा बनता है, मतलब जिस तरह कोरमा बनावा होता है उस तरह, लेकिन क्योंकि मुझे बच्चों को भी खिलाना है, अपने हस्बैंड को भी खिलाना है, तो मैं इसमें करूँगी शोरबा। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें शोरबा रखना चाहें नहीं रखना चाहें, गाढ़ा बनाना चाहें तो गाढ़ा बना लीजिए, कम उसमें कर लीजिए, लेकिन मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए। तो ये मैंने पानी डाल दिया तकरीबन इसमें 2 गिलास, गिलास भी मेरे को इतने बड़े नहीं है वो मैंने डाला है, और इसको मैं ये अभी से देखें शोरबा थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन अभी इसमें जो है प्याज भी जाएगी तो शोरबा और ज़्यादा ठीक होगा। तो ये इसको बॉइलिंग टेम्परेचर पे लेकर आते हैं, शोरबा जब बॉइल होने लगेगा तब मैं इसमें डालूंगी कोफ्ते। ये देखें बॉइलिंग टेम्परेचर पे शोरबा हो चुका है, बॉइल हो रहा है, अब मैंने इसमें डालने हैं जी कोफ्ते, क्योंकि मुझे बड़े ही प्यार से मोहब्बत से द फूड पॉइंट की तहरशा ने दिए हैं, और ये कोफ्ते मैं इसमें खाने रही डाल रही हूँ शोरबे में। ये बीफ के कोफ्ते हैं, आप चाहें उनको ऑर्डर दे सकते हैं, मेरे ब्लॉग में आपको उनका पेज नंबर सब मिल जाएगा, आईडी नंबर मिल जाएगा, आप उनको हैदराबाद में ऑर्डर दे सकते हैं। ना सिर्फ ये कि हैदराबाद के लोग, मीरपुर खास कराची के लोग भी उनको ऑर्डर दे सकते हैं। ये मैंने कोफ्ते डाल दिए, अभी डालते के साथ तो मैं ज़रा चम्मच चला दूँगी, ठीक है, लेकिन फिर नहीं चलाऊँगी, फिर मैं चम्मच के बजाय कपड़े से इसका काम करूँगी। सही, साथ ही साथ जो मैंने प्याज ब्राउन की थी वो डालूंगी, ये प्याज मुझे ज़्यादा लग रही है तो मैं बस थोड़ी प्याज डालूंगी, और बाकी जो प्याज है उसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। अब फ्रीज़ किस तरह करूँगी वो भी मैं आपको बताती हूँ, बस ये इनफ है प्याज इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्याज हो जाएगी तो फिर ये मीठा मीठा सालन भी हो जाएगा, और दूसरा ये कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा जो कि मुझे नहीं चाहिए, ऑलरेडी खोपरा गाढ़ा करेगा, ऑलरेडी इसमें जो हमने स्पाइसेस डाले हैं वो इसको जिसमें धनिया है वो गाढ़ा करेगा, फिर प्याज भी गाढ़ी करेगी, तो मेरे ख्याल से इतनी इनफ है प्याज। अब इसको मैं ढक दूंगी और तकरीबन 3 से 4 मिनट बॉइलिंग टेम्परेचर पे इसको लूंगी, और उसके बाद दम पे रख दूंगी, और जब तक कि मेरे कोफ्ते बन रहे हैं मैं इसमें जो बची हुई प्याज है वो इस फोल्डर में डाल दूंगी, चाहे आप स्पून से डालें, इस तरह आपको सहूलत हो, से क्या होगा कि ये फ्रीज होके आपके लिए आइंदा के सालन के लिए सेफ हो जाएगी। इसलिए मैं इसको अभी सही कर लेती हूँ, ये देखिए हो गई रेडी, अब मैं इसको फ्रीज कर दूंगी। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब बिल्कुल लास्ट में इसको मैं दम का चूल्हा करूंगी, इसमें डालूंगी ये ज़ाफ़रानी दही जो मैंने पहले से भिगो के रख दिया था, ये देखिए और लास्ट में इसमें बिल्कुल हम डालेंगे गरम मसाला, क्योंकि इस गरम मसाले की भी अपनी अलग खुशबू होती है, अलग जायका होता है, फुल स्पाइसेस होते हैं जो कि बहुत मज़े के लगते हैं। तो गरम मसाला पीस के रख लिया कीजिए, खुद पीसा करें, बाजार से नहीं लाया करें, और इसको रख दें दम पे। ये देखें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये फाइनल शक्ल है कोफ्तों की, ये देखिए इतना खूबसूरत ही कलर आया है, वाओ। अल्हम्दुलिल्लाह 1:30 बजे मेरे सारे काम हो गए और कोफ्ते रेडी हैं, बस अब खाने की तैयारी है। और यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाल भी मेरे डाए हो गए, ये देखिए फ्रेश होकर आ गई हूँ, बाल डाए हो गए हैं, कुछ शक्ल बेहतर आ गई है, कल और बेहतर हो जाएगी। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।